आज हम बुंदेलखंड की एक ऐसी चिड़िया से मिलाना चाह रहे हैं जिसने अपने पंख खोल दिए हैं और पंख खोले हैं डांस के क्षेत्र में। लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, पीछे आपके ट्रॉफी देख रहे होंगे। वो ट्रॉफी वो बच्ची जीत कर लाई है जिसका नाम रक्षा राजपूत है। एक छोटे से ग्राम औता की रहने वाली बेटी है और उसने डांस में इतना हुनर उसके अंदर कि आप देखेंगे कि तीन चार प्रतियोगिताएँ जिनमें ट्रॉफी तो काफ़ी गांव से भी कुछ जीत कर लाई है बच्ची। महाशिवरात्रि महोत्सव सरीला हो, महोबा कजली महोत्सव हो उसमें, और झांसी का प्रोग्राम जिसमें झांसी महोत्सव उसमें भी ट्रॉफी जीत कर लाई है और प्राइस फर्स्ट लेकर आई थी। ऐसी गुड़िया जिसके डांस जिसने जिया है और डांस ही उसका ख्वाब है, डांस में कैरियर बनाना चाह रही है, तो हम उनसे मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रक्षा जनता का राज में। थैंक यू बेटा। तो कैसे शुरुआत हुई डांस की, वो आपने कब सोचा और कब लगा कि हमें अब डांस करना है और कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई? मैंने बहुत छोटे से सीखा है डांस। अभी कितने साल की हो गई हैं? अभी मैं 10 साल की हो गई। 10 साल की हो गई हैं। तो कब कैसे शुरुआत हुई, कब डीजे बूफर किस में डांस की शुरुआत की थी और किसको अपना गुरु मानती हैं आप? मैं अपने मामा को गुरु मानती हूँ। अच्छा, तो मामा क्या कोई डांस कोरियोग्राफर हैं, क्या हैं वो? नहीं। मामा ने अच्छा हेल्प की है। हाँ। जो कंपटीशन है उनमें लेके गए हैं। हाँ। मामा का नाम और बता दो। मामा का नाम है अतुल राजपूत। अतुल राजपूत, अतुल राजपूत जो मामा जी हैं रक्षा को लेके गए हैं इन कंपटीशन में। रक्षा कहाँ कहाँ से जीत के ले आई हैं और कौन कौन से प्राइस? हम बहुत जगह से जीत के लाए हैं। एक दो जगह के नाम बता दो याद हो, जैसे गैरौली, शरीला, महोबा, झांसी, मऊकंठ, टोला पातर। हाँ, ये सब गाँव के नाम बता रही है रक्षा, जहाँ से जीत कर ट्रॉफियाँ लाई है। रक्षा कैसे पढ़ाई के अलावा अलावा डांस में तो आपका शौक है ही, तो आपको कौन से टीवी जगत में किनको अपना वो मानती हैं, किनको देखकर डांस की सीखना शुरुआत की थी? है कोई जो टीवी जगत में या किसी को देख के शुरुआत की हो? कैसे शुरुआत हुई डांस की घर में? नहीं, घर में डांस की शुरुआत कैसे हुई? मोबाइल से। मोबाइल से, मोबाइल में वीडियो डाले, समझ थी आपको कि डांस करना है केवल कि बस ऐसे ही? फिर इतना अच्छा डांस कैसे आने लगा? यूट्यूब पर देख कर आना लगा। रक्षा इतना कुछ बोल भी नहीं पा रही है लेकिन उसके डांस में जो जिनके अंदर हुनर होता है वो बातों से नहीं, जिस क्षेत्र में उसका हुनर है उस हुनर को देखेंगे। और आप जब रक्षा के वीडियो देखेंगे डांस के तो आपको भी ताज्जुब लगेगा कि 10 साल की बच्ची, और बिगर सबसे अच्छी बात रक्षा के लिए कि अब जाके उसने शुरुआत की है, कोचिंग कोई ली है, इससे पहले कोई कोचिंग नहीं ले रही थी और घर में ही डांस की शुरुआत की। अब जाकर कुछ चीज़ें उसके साथ उनके मामा जो डांस कोचिंग क्लासेस में लेके गए हैं, तो अब रक्षा के डांस में और निखार आएगा। तो रक्षा के पापा जी से भी हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बेटी इतना नाम कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? बच्ची के पिताजी यानी कि रक्षा के पिताजी से। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपके लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर राजपूत जी, रक्षा इतना नाम कर रही है, इतनी ट्रॉफियाँ जीत के ले आई है, कैसे रक्षा की शुरुआत हुई? रक्षा तो इतना बता नहीं पा रही है, आप बताएं कोई ऐसी घटना जिसको आपको लगा हो कि रक्षा डांस के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगी। वो मुझे, मैंने इसको इसका छोटे में मैंने जब इसको देखा है तो अधिकतर जब भी कहीं म्यूजिक बजता था जैसे डीजे जे वगैरह कुछ भी बजता था तो इसमें एक वाइब्रेशन टाइप का उत्पन्न सा होता था। इसको तुम कहीं भी बंद कर दो या कहीं वो कर दो तो ये स्वयं अपने आप में अंदर स्वयं अपने आप में डांस करेगी। अच्छा, ये मतलब कहीं भी गाना सुनाई दिया, हाँ, रक्षा हाँ, को उसको रोकना मुश्किल रहता था। कानों में अगर सुनाई दिया इसको, जब ये करीब करीब 4-4.5 वर्ष की थी तब इसको कानों में कुछ भी म्यूजिक अगर सुनाई दिया तो इसको कुछ ना तो या तो पैर चलाएगी या हाथ जानी कुछ उसको डांस के उसमें वो डांस पहले छोटे में जानती नहीं थी डांस होता क्या है, लेकिन जो म्यूजिक है म्यूजिक से इसका लगाव सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा म्यूजिक से लगाव है।
तो आपसे बताएं, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं रहती हैं, रक्षा ने आपने बताया कि ऐसे ही जैसे कहीं डांस शुरू हुआ तो रक्षा ने चालू कर दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि डांस कर रही है तो कंपटीशन में ले जाना, आपके मन में क्या चल रहा था कि रक्षा डांस में इतना अच्छा कर रही है, उनको कंपटीशन में ले जाने के पहले दिमाग में आपके क्या चल रहा था कि ले जाएं या रक्षा को रहने दें? नहीं, मेरे दिमाग में तो कंपटीशन में मैंने सोचा ही नहीं था बिल्कुल। अच्छा, कि उनके मामा आकर के कहेंगे कि आप रक्षा को, इसका तो हुनर हमने नहीं देख पाया, हुनर जो देखा उसके मामा ने देखा कि इसके पास ऐसा हुनर है। अच्छा। तो ये लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो उनके मामा ने बोला कि और आप रक्षा को यहाँ पर के रह कर के ये क्या करेगी, इसको ये डांस के बारे में काफ़ी हुनर दिखाई देता है, तो आप इनको मेरे साथ भेज दो। रक्षा का सर बात करेंगे, रक्षा के सफ़र के बारे में, रक्षा उतना अच्छे से बता नहीं पाई, आप बता दीजिए रक्षा ने अभी तक जब से डांस की शुरुआत की है कहाँ से कौन कौन प्रतियोगिताएँ जीत के आई है और कहाँ कहाँ किस वर्ष में कहाँ कहाँ आप लेके गए हैं? मुझे तो अभी एक ही प्रतियोगिता का मालूम है, जब मैं स्वयं साथ में महोबा भी गया था, मेला कजली मेला महोत्सव में उसमें लेके गए थे। हाँ, मैं गया था, इसका मामा भी गया था। तो वहाँ तो अच्छे कोरियोग्राफर आए होंगे। हाँ, किसी एक कोरियोग्राफर देव राजपूत जी को हम जानते हैं जी, तो उनने क्या कहा रह गए हैं रक्षा के डांस को देख के कोरियोग्राफर जी ने? उन्होंने ये कहा था देव राजपूत जी ने कि आप रक्षा को और हमारे यहाँ भेज दो तो वहीं पे डांस सीखेगी और अच्छा, लेकिन अभी इसकी ये स्टार्टिंग है, जब इसका ये हुनर है तो ये आगे चल के अभी और अच्छा करेगी। बिल्कुल, और जब ऐसे पिताजी हों आप देखेंगे इतना आप सपोर्ट है और घर पूरे परिवार का जिसमें बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, और हम आपसे भी कहेंगे आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं या खेल कूद में जिसमें अच्छे हैं, उनको जिस चीज़ में कैरियर लगता है कि वो जिसमें हुनर है, आप बिल्कुल दबाव न बनाएं और बच्चों को खुली छूट दें, वो जिस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं आप उसी क्षेत्र में भेजें। रक्षा का ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम सीधे रक्षा का जो उनके डांस है कुछ वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं नज़र की बात की और दिल चुरा गए, हम तो संजीते बुद्ध अब तो धड़कन सुना गए। ये किसका है साया हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया? किया है आपने कि बिना कोई वार किए हमको मार डाला।